आप जो बार बार बोल रहे हैं कि शरिया से ये शरिया से ही चलेगा, जहाँ शरिया चलानी है सर चलाइए, जाइए, बहुत जगह पर शरिया चल रहा है, वेलकम है आप लोग जाने के लिए। महिलाओं के हक पर वो नहीं खड़ा हो सकता है, तो ऐसे पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। मत कीजिए, हमारा इस्लाम मुकम्मल है, हमको जरूरत नहीं है किसी चीज की। इस्लाम मुकम्मल है लेकिन आप लोगों की नीयत मुकम्मल नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यहाँ आ जाती है। आप पैसे लेकर यहाँ मुसलमानों को गालियां देती है, पैसे लेकर गाली देती है और झूठ बोलती है। शर्म आनी चाहिए आपको। चैलेंज करती हूँ तस्लीम रहमानी, इस डिबेट को छोड़कर जाने से पहले प्रूफ करके दिखाइए किसी की एक फूटी कौड़ी ली है मैंने, तो प्रूफ कीजिए कि मैंने किसी की फूटी कौड़ी खाई है, वरना अपना मुंह काला करके पूरे मार्केट में घूमिएगा। आप जैसे पढ़े लिखे इंसान को प्लीज ये नहीं रहेंगे मेरे डिबेट में, हटाइए। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की वीडियो में रूपिका लियाकत ने तस्लीम रहमानी और शाहिद रशीदी को डिबेट में इस तरह धोया है कि वीडियो देख के आपको बड़ा आनंद आने वाला है, क्योंकि वीडियो के दौरान ये दोनों ये बता रहे हैं कि हमारा मुस्लिम तो शरिया के द्वारा ही चलेगा, लेकिन रूपिका लियाकत ने इन दोनों को ऐसा धोया है कि वीडियो देख के आपको बड़ा आनंद आने वाला है। और डिबेट के दौरान तस्लीम रहमानी कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि रूपिका लियाकत को इतना गुस्सा आता है कि वो उसको डिबेट से भी भगा देती है। तो वीडियो आज की बड़ी मजेदार एंड फनी होने वाली है, तो आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक सईद साहब, क्या दिक्कत है बताइए, कहां से लाएगी वो अपना गुजारा भत्ता? तलाक 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 बोल के वो तो निकल लेगा। जी 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 मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो निकल लेगी, वो निकल लेगा नहीं, वो निकल लेगी। आप, मैं ये रुबीना जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि है सो जितना भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये शरई लॉ जो है उसकी हिफाजत के लिए बना। एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट जरा सुनिए सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरई हिफाजत के लिए बना। आज है सो क्या, मैं आपसे रुबीना जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस्लाम मुकम्मल नहीं है, या इस्लाम मुकम्मल आपको है सो ये इस तरीके के जजमेंट आने की जरूरत है? हमारे को इस्लाम हमारा बिल्कुल मुकम्मल है। आप है सो ये एक चीज देखिए, जिसको हम है सो छोड़ चुके हैं, हमारा उनका ताल्लुक खत्म हो गया, हम उनको महर अदा कर दिए, पहले तो तलाक होना नहीं चाहिए, होना है दोनों खानदान बैठ के बात करते हैं, समझा देते हैं, फिर मिला देते हैं, उसके बावजूद भी आखिरी हद के बाद अगर तलाक होता है तो औरत को यह समझ जाना चाहिए कि उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जो आदमी तलाक दे रहा है उसको भी समझ जाना चाहिए कि बच्चों का हमारा फ्यूचर क्या होगा। अगर 7 साल 9 साल अगर रहेंगे तो है सो बच्चों को है सो माँ के पास, उसके बाद बाप के पास आना ही है। तो ये खिलवाड़ करने से बहुत बेहतर है कि तलाक ना हो। अगर तलाक होता, तलाक अगर होता है, ठेकेदारी कर रहे हैं ना इसमें, सबसे पहले तो अपना ये दिमाग खोलिए और इसके अंदर थोड़ी सी जो बची कुची अक्ल की गुंजाइश है ना उसे ठूसने की कोशिश कीजिए। मैं बाअदब आपको समझा रही हूँ रुबीना जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की साजिश है ये। अरे तो होना ही चाहिए, शरिया लॉ को है सो खत्म करने की साजिश है ये। अगर महिलाओं के हक पर वो नहीं खड़ा हो सकता है तो ऐसे पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुस्लिमों की आवाज को ये, अगर मुस्लिम महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश करता है तो खत्म हो जाए सबकी बला से, खत्म हो जाए। तो मुस्लिम रुबीना जी, देना है तो रिजर्वेशन दिया, शरिया के चक्कर में आप लोग महिलाओं के हक को मार, आप हक को मार देंगे। साल से पड़ा आज मुसलमान भारत के जो है क्रिमिनल लॉज में नहीं मानते हैं शरिया, वो सेक्युलर लॉज को मानते हैं, तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? आप इसमें इस्लाम को लेके क्यों आ रहे हैं? आप अपने 5 चीजों को फॉलो कीजिए जो इस्लाम के प्रिंसिपल से, आप मुस्लिम है, ये कौन सी बात है? हमेशा आप लोग शरिया लेकर आते हैं जब औरतों के राइट को आपको छीनना होता है। अरे इसी शरिया में लिखा गया है कि औरतों को इनहेरिटेंस में आधा राइट होता है, एक मुस्लिम उसको फॉलो नहीं करता है। आप लोग तब तो नहीं जाते सड़कों पे कि अपनी औरतों को तुम लोग इनहेरिटेंस का राइट दो, जो कि बराबर नहीं है बट आधा है, वो भी नहीं आप हमें दिलवाते हैं। उस टाइम आप लोग का शरिया कहाँ चला जाता है? भारत के मुसलमान शादी के वक्त दहेज लेते हैं, शरिया में कहाँ है ये? बट ये प्रैक्टिस में तो होता है ना, तब आप लोग क्यों नहीं ऊपर आवाज उठाते हैं? आप लोगों की आवाज तभी क्यों उठती है जब मुसलमान और औरतों के हक की बात होती है, तभी आप लोग इस्लाम को लेके आते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और एकदम एकदम जिसे कहते हैं ना फैक्ट्स पर बात करने के लिए। अभी सर हो सकता है रशीद सईद साहब कि आपको थैंक यू करना पड़ जाए कि ना अब नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन अब औरतें बुलंद आवाज में अपना हक मांगेगी, और मैं फिर बाद अब आपसे कह रही हूँ वो हक आप नहीं, इस देश का कानून, इस देश का संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत हमें मिलेगा। जहां शरिया चलानी है सर चलाइए, जाइए, बहुत जगह पर शरिया चल रहा है, वेलकम है आप लोग जाने के लिए। सही बात है। देखिए आपने अपनी डिबेट के शुरू में 2 पॉइंट 3 पॉइंट रेज किए थे, मैं दूसरे पॉइंट से शुरू करता हूँ। तीसरा पॉइंट आपका यूसीसी था, दूसरा पॉइंट था कि देश शरिया से नहीं चलेगा। पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये बात भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के लोग मिल के
पिछले चंद सालों से शोर मचाते हैं बहुत शिद्दत से, देश शरिया से नहीं चलेगा, देश शरिया से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 75 साल में आप अगर आप मुझे बोलने देंगी तो मैं बोलूँ, वरना मैं इजाजत ले लूँ आपसे। नहीं 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 चलेगा, मैं आपको वापस रिइटरेट कर रही हूँ, नहीं चलेगा। आप काइंडली मुझे रनिंग कमेंट्री ना दें, मेरी बात पूरी होने दें। अगर आप चाहती हैं कि मैं बोलूँ तो मैं बोलूंगा, वरना फिर आप बोल ही रही हैं, आप लोग सब बोल रहे हैं। आप मीडिया पर आरोप लगाएंगे, आपको लगता है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो इतना उछालू, नहीं आप इतनी बड़ी भी नहीं हो गई हैं कि आप दूसरे की बात नहीं सुने, फिर आप बुलाइए मैं, आप आधे घंटे का खुद बोलने का। मैं बुरी हूँ ही नहीं, इतनी नहीं। आपको अभी तो मैंने दो जुमले भी नहीं बोले हैं, अभी मैंने कोई पॉइंट ही नहीं रखा है, क्योंकि मैं बा अदब, बा मुलाइजा, होशियार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ रहा है, सर झुका के चला जाऊंगा। आप ही को बोलना है भूमिका जी, अगर आपको बोलना है तो मैं चला जाता हूँ, आपको अगर बोलना है तरह तो मैं चला जाता हूँ। मुझे मालूम है आपकी आवाज बहुत तेज है, लेकिन मेरी आवाज भी कम नहीं है। अरे तो अच्छा है ना, मैं तो आपको वैसे भी जानती हूँ और ऑन एयर भी। आप चाहती हैं कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं? बोलिए, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि शरिया से ये देश नहीं चलेगा। आप कौन सी किस किस्म की इंक्वायरी कर रही हैं? आपने आठ आठ था कि आपको बर्दाश्त नहीं हो सकते मेरे दो जुमले भी, आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए। मैं कह रही हूँ ना, आपका सारा इल्म खत्म हो जाएगा अगर मैंने दो जुमले बोलने शुरू किए। सवाल कीजिए ना, फिर मैं जवाब देती हूँ कि नहीं, डिसाइड करेंगे। जरा दो मिनट के लिए खामोश रहिए आप। नहीं नहीं, वो आप मिनट के लिए खामोश रहिए आप, डिसाइड नहीं करेंगे। नहीं, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं ये तो डिसाइड करूंगा कि मुझे बोलने के लिए आपको जो कहना है सही है, पर बस आप होती कौन है मुझे डांटने डपटने वाली? राइट क्या है आपको? आपको क्या राइट है? मैं अपनी बात कह रही हूं। आप कौन है मुझे डांटेगी डपटेगी? आप है क्या चीज? आप है क्या चीज? अरे एक टेलीविजन के एंकर है आप, आपको एंकरिंग करनी नहीं आती? आप मुझे डांटेगी? आप पैसे लेकर, आप पैसे लेकर यहाँ मुसलमानों को गालियां देती है, पैसे लेकर मुसलमानों को गालियां देती है, कौन से पैसे लेकर? प्रूफ कीजिए, कौन से पैसे लेकर? शर्म आनी चाहिए आपको, आप बेशर्मी की हद तक की मेहमानी, मुसलमानों को गाली देती है और झूठ बोलती है, शर्म आनी चाहिए आपको, दूसरों से भी आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं और इस तरीके की बातें करेंगे? बड़ी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको चैलेंज करती हूं तस्लीम रहमानी, इस डिबेट को छोड़कर जाने से पहले प्रूफ करके दिखाइए, किसी की एक फूटी कौड़ी ली है मैंने तो छोड़ दूंगी ये प्रोफेशन में, और अगर नहीं तो आप अपना मुंह काला करके घूमिएगा। I give you that challenge. Prove कीजिए किसी की फूटी कौड़ी मैंने ली है और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप जैसे बेशर्म आदमी से मैं इसलिए बात नहीं करूंगी क्योंकि आपको अपनी बात रखना ना आई तो आप लड़की के ऊपर अटैक करने लगे। अरे प्रूव करो ना, तस्लीम रहमानी प्रूव करो कि मैंने किसी की फूटी कौड़ी खाई है। प्रूव कीजिए कि मैंने किसी की फूटी कौड़ी खाई है, वरना आपका मुंह काला करके पूरे मार्केट में घूमिएगा, याद रखिएगा। और अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं। क्या प्रूफ है आपके पास? जब कोई बात नहीं होती है, कोई फैक्ट नहीं होता है तो सीधा आरोप लगा दो कि पैसा लेकर ये करती है, पैसा लेकर वो करती है। शर्म आनी चाहिए आप जैसे पढ़े लिखे इंसान को। प्लीज ये नहीं रहेंगे मेरे डिबेट में, हटाइए। दोनों मियां बीवी में नहीं पटी, तलाक ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जिस शख्स के साथ उस औरत ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसने जबरदस्ती उसे धकेल दिया, वो भी बच्चे पैदा होने के बाद। और इस्लाम में आप देखिए कितने परिवार हैं, आमना मुझे बताइए कितने परिवार हैं जहां पर औरतों को आजादी है कि जाए बाहर काम करे, खुद मुख्तार बन जाए, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोडक्ट है वो तो औरत गोद में ले लेके घूमे और उसकी उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? कादरी साहब वापस आइए, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। कौन उसे मुझे बताइए सईद साहब, उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोडक्ट की जो उसका गुजारा भत्ता है वो कौन ला कर देगा? नहीं नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको ऐसे शोर होना नहीं है, शोर का पैसा होना है, ये बताना चाह रहे हैं आप? शोर नहीं चाहिए, शोर का पैसा चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अगर आप उनको मेहर अदा कर दिए तो बस वो बिल्कुल आजाद है। मेहर अदा कर दिए, सुनिए सईद साहब प्लीज, मेहर अदा कर देंगे मैडम। ये रूबीना जी बार बार आप बोल रहे ये जो देश है शरिया से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल शरिया से नहीं चलेगा। ये आप जो बार बार बोल रहे हैं कि शरिया से, ये शरिया से ही चलेगा। क्या चलेगा? मुसलमान शरिया से ही चलेगा। हमारे को संविधान इजाजत दिया है कि हमको हमारे भाई, आप अगर शरिया से चलना चाहते हैं तो इजाजत है, संविधान हमको इजाजत दिया ना मैडम, इसीलिए तो हम यूसीसी की बात कर रहे हैं। शरिया पे चलने की हमको इजाजत दिया, कोई बात नहीं। आप यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं तो अब जाके हम शादी कोर्ट में करना, हम कोर्ट में शादी करना, कोर्ट में तलाक लेना, ये दिन दिखाएंगे। ये कोर्ट में हम शादी करेंगे, खाजी खत्म हो जाएगा, खाजी खत्म हो जाएगा। आप कौन सा दिन दिखाएंगे? अफगानिस्तान और वहाँ पे वो जो तालिबान में हो रहा है वो दिन दिखाएंगे आप?
हैं? अरे मैडम कौन है ये लोग? गलत मत कीजिए, हमारा इस्लाम मुकम्मल है, हमको जरूरत नहीं है किसी चीज की। आज से नहीं 1400 साल से मुकम्मल इस्लाम है। सईद साहब अगर इस्लाम मुकम्मल है लेकिन आप लोगों की नीयत मुकम्मल नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यहाँ आ जाती है। इस्लाम को मुकम्मल कह रहे हैं, मैं मानती हूँ ये बात, गलत। इस्लाम मुकम्मल है गलत, गलत, पर आप लोगों की नीयत नहीं मुकम्मल है। इस्लाम को मुकम्मल कह रहे हैं, मैं मानती हूँ ये बात, गलत। इस्लाम मुकम्मल है गलत, गलत, पर आप लोगों की नीयत नहीं मुकम्मल है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको इस डिबेट के दौरान अपनी कुछ राय रखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।